बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द इन्फो जोन के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। JF-17 थंडर के बाद एक और पाकिस्तानी तैयारे की धूम। तुर्की का पाकिस्तान से मुआहदा, दोस्त इस्लामी मुल्क को सुपर मुशाक तैयारे फराहम करने की तैयारियां। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हुए दिफाई मुआहदे के तहत सुपर मुशाक तैयारों की पहली खेप की फराहमी की तैयारियां की जा रही हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तुर्की को 52 सुपर मुशाक तैयारे फराहम किए जाएंगे। सुपर मुशाक तैयारों को तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालिया कुछ बरसों के दौरान पाक फिजाइया ने सुपर मुशाक जैसे हल्के तैयारे में कई अहम तब्दीलियां करके इसे एक बेहतरीन तैयारे में तब्दील किया है, जिसके बाद तुर्की ने इन तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने भी अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक अब तक कई ममालिक JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। इन ममालिक में अब दुनिया की ताकतवर तरीन तंजीम G20 में शामिल मुल्क भी शामिल हो गया है। अर्जेंटीना की जानिब से JF-17 थंडर की खरीदारी पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। बताया गया है कि अर्जेंटीना के अस्करी हुकाम माली वसाइल की अदम दस्तियाबी के बायस बरतानिया से महंगे जंगी तैयारे खरीदने की बजाय पाकिस्तान के तैयार करदा JF-17 थंडर की खरीदारी के ख्वाह हैं। इस हवाले से जल्द अहम पेशरफ्त होने का इम्कान है। वाज़ह रहे कि रवां साल के आगाज में बताया गया था कि पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से अपनी दिफाई सनत को मजीद फरोग देने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर जंगी तैयारों के 4 खरीदार तलाश कर लिए हैं। भारत का दोस्त और पड़ोसी मुल्क म्यांमार भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर जंगी तैयारे खरीदने का फैसला कर चुका है। जबकि मलेशिया, अज़रबैजान, मिस्र और दीगर कुछ ममालिक भी JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए जल्द मुआहदा करने के लिए कोशा है। वाज़ह रहे कि JF-17 थंडर जंगी तैयारों की मांग में उस वक्त से ज्यादा इजाफा हुआ है जब पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारों को मार गिराया था। बैन-उल-अक़वामी मार्केट में JF-17 थंडर जंगी तैयारों की फिरोख से पाकिस्तान को कसीर ज़रे मुबादला हासिल होगा, जबकि पाकिस्तान की दिफाई सनत को बैन-उल-अक़वामी सतह पर फिरोख भी मिलेगा।